अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस मी उसामा खान, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की जो वीडियो, आज का जो व्लॉग है वो इस पे बनने लगा है, क्योंकि आज मुझे कुछ काम वगैरह करने थे कंप्लीट घर के, तो मैंने कहा चलें साथ में व्लॉगिंग कर लेते हैं और साथ में जो काम वगैरह वो भी कंप्लीट हो जाएंगे इस तरह जल्दी जल्दी से। तो ये है कि चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं कि आज क्या क्या काम करना है और क्या क्या करना है। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहली जो चीज़ है, जो सबसे पहले काम है वो ये था कि ना, एक तो ये है कि मेरी जो ये सामने कबर्ड है, मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, वो कैमरा साइड पे मूव करके, तो कबर्ड बनानी थी इधर, तो वॉकिंग क्लोजेट बनानी थी, तो उसके लिए ना रिंग वगैरह लगाने थे ताकि वो लग जाए और मैं कपड़े वगैरह लटका सकूँ। ये काफ़ी टाइम से हम कर रहे थे कि करना है, तो वो टाइम नहीं मिल रहा था और ये चीज़ नहीं हो रही थी, तो इसके लिए मैंने आज ना कुछ एक दो लोगों को बुलाया था कि वो आके ये काम कर दें, और एक और दो चीज़ें करनी है तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो यह है कि अब उनका फ़ोन आ गया था कि हम आ गए हैं नीचे, तो चले जाके उनको पहले रिसीव करते और फिर आके अपना काम वगैरह करवाते हैं। सो गाइस, आपको पहले मैं मेंशन करना भूल गया कि हमने कुछ कर्टन भी मंगवाए थे, हमारा हाल वाली जो एरिया रह गया वहाँ पे लगने वाले रह गए थे, तो मेरे माइंड में भी ज़रा स्किप हो गया था, तो मैं अब आपको मेंशन कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। तो ये बेसिकली कर्टन है जो हमने सेलेक्ट किए थे, ये मम्मा का फेवरेट कलर है, मम्मा को जिंक कलर बहुत पसंद है, तो इसलिए ये मंगवाया है। और मैंने कहा आपको खोल के प्रॉपर दिखा दूँ एक दफ़ा, फिर ही जाके लगाएँ उधर। तो खैर, ये मंगवाया था और मैं आपको अब मेंशन कर रहा हूँ इस बारे में, तो मैंने कहा आपको मैं पहले बता दूं। और सेकंडली, ये चीज़ें हैं जो लगेंगी, एक्सेसरीज जिन्हें आप कह लें, जो मेरे वॉक इन क्लोजेट पे जो पाइप वगैरह लगेंगे उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें, और कुछ यहाँ पे आई थिंक कर्टन लगने हैं उससे रिलेटेड भी कुछ चीज़ें वगैरह पड़ी हुई हैं। तो ये है कि ये भी मतलब कि इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इसके बगैर कुछ लग नहीं सकता, ना कर्टन लग सकता है ना मेरी वो पाइप वगैरह वहाँ पर होल्ड ऑन हो सकती हैं। तो खैर, ये कुछ चीज़ें वगैरह हैं, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली लगना किधर है, जो कर्टन हमने मंगवाए हैं वो लगना किधर है, क्योंकि हमारे घर की जो सारे कर्टन कंप्लीट हो चुके हैं और आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा ही है, तो बहरहाल ये मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली ये सामने की एक जो खिड़की है, विंडो है, उधर ये लगना है, और ये हॉल की विंडो है। तो अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा ही होगा, जहाँ पे मैंने एसी हॉल में लग रहा था उस वीडियो में आपने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो जाके आप प्लीज़ वो वीडियो भी देखें, और साथ में मेरे चैनल को भी जाते जाते सब्सक्राइब कर दिएगा। और खैर, ये वीडियो सॉरी ये जो प्लेस है जहाँ पर लगना है कर्टन हमारा, और जो जिंक कलर है ये मामा का फेवरेट कलर था, तो मामा ने कहा कि इधर जिंक कलर लगेगा, तो हमने कहा ठीक है मामा, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बस यही डन करते हैं। तो खैर, ये अब यहाँ पे लगेगा। और दूसरी बात ये है कि मैं अब आपको दिखाता हूँ कि जहाँ पे मेरी वॉक इन क्लोजर बननी है वो एरिया किस तरह का, वो जाके आपको मैं अभी एक और काम भी करना था। मैं भाई से पूछ रहा था कि आप ना मेरे यहाँ पे मेरे जो सामने वाला एरिया है, जो कि बेसिकली ये वाला एरिया होगा, यहाँ पे ना कबर्ड वगैरह बननी है, तो खैर यहाँ पे ना पहले लगने थे पाइप वगैरह लगने थे, ताकि मेरे कपड़े वगैरह जो है ना वो प्रॉपर अरेंज हो जाए, फिर आगे दरवाज़ा वगैरह लग जाना था, तो एक वॉकिंग जो क्लोजेट होती है ना मैंने वो बनानी थी बेसिकली। तो ये है कि मैं भाई से पूछ रहा था, आप मेरे वो ले आए हैं ना यहाँ से, क्योंकि मैंने लिखवाए थे और मैंने मेजरमेंट खुद करके ली थी सारा कुछ, तो भाई कह रहे थे हाँ मैं ले आया हूँ। तो अब यह यहाँ से सारी चीज़ें वगैरह रैप अप करके साइड पे करते हैं, ताकि वो भाई वगैरह इधर आएँ और इधर आके ये भी काम वगैरह ना सही तरीके से करते हैं। बाकी ये कि वो तो अभी चल रहा है काम का उधर वाला, तो वो भी थोड़ी देर तक कम्प्लीट हो जाएगा। तो यह है कि चले देखते हैं जैसे जैसे सारा काम कम्प्लीट होता रहेगा। और मेरे ना एक फोर मजे का काम ये था कि जो मेरे ये वाले पर्दे हैं ना, इसकी जो ऊपर वाला जो ये ऊपर है कि ना वो है जो मिड में जो लगता है, ये जो भी इनको कहते हैं, मैं नाम नहीं मेरे माइंड में आ रहा, तो ये थोड़ा सा ना हिलने लग गया था, इसके ना किले एक दो निकल गए थे। तो अब यह कि इनको भी दोबारा से सही करवाना है, ताकि ये जो थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक गया था ना, ताकि वो ऊपर अपनी जगह पे शिफ्ट हो जाए। खैर, ये भी एक काम करवाना है याद से मैंने। तो गाइस, एक साइड का जो पर्दा है वो लग चुका है कर्टन, और मैं आपको बताने चला गया था तो उन्होंने पीछे से ही मेरे एक साइड का लगा दिया, तो मैंने कहा वेल एंड गुड है। अब ये सेकंड वाली साइड पे लग रहा है, और यह कि अच्छे लग रहे हैं, और मुझे ज़रा पहले थोड़ा सा शक था, टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ, मुझे नहीं लग रहा था कि ये कुछ अच्छा लगेंगे यहाँ पर, प्यारे लगेंगे कि नहीं लगेंगे, क्या सिचुएशन होगी, क्योंकि आपने मेरे हाल के और मेरे रूम के और भाई के रूम के और मामा के रूम के बाकियों के आपने देखे हैं, वो बड़े अच्छे लग रहे थे, बड़े प्यारे लग रहे थे और सूट कर रहे थे कमरे के लिहाज से।
तो मुझे इसका थोड़ा सा है था डर के, पता नहीं यहाँ पे किस तरह का लगता है किस तरह का नहीं लगता, पर वाकई में अच्छा लग रहा है और प्यारा लग रहा है देख के, और ना सही चीज़ें वगैरह लग रही हैं, तो ये चलो एक अच्छी बात है और सुकून वाली और राहत वाली बात है कि प्यारे लग रहे हैं। तो बड़ा जब ये प्रॉपर बन जाएगा तब तो एक मैं वीडियो आपको बना के यहाँ पर लिखा ही दूंगा, पर अभी आप इतना देख रहे हैं ऐसे भी अच्छे और प्यारे लग रहे हैं ये कर्टन ना। सो फाइनली गाइस कंप्लीट हो गए हैं और यहाँ पे ये जो कर्टन है वो लग गया है, पर मुझे थोड़ा सा डर था पहले कि पता नहीं ये पर्दा यहाँ पे सूट करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि जो कलर है मैं उससे ज़रा फेमिलियर नहीं हूँ, तो मुझे ज़रा थोड़ा सा था, क्योंकि आपने मेरे कमरे के और भाई के रूम के और मामा के रूम की चीज़ें वगैरह देखी हैं, वहाँ का ज़रा सिस्टम आपने देखा है और वहाँ पर जो कर्टन लगे हैं वो आपने देखी हैं, तो वो बड़े उठ रहे थे, वो बड़े अच्छे लग रहे थे, तो मुझे ज़रा इसका थोड़ा सा डर था, पर टू बी ऑनेस्ट बताऊँ बहुत अच्छे लग रहे हैं और बहुत प्यारे लग रहे हैं, तो फाइनली ये कम्प्लीट हो गया और अच्छा लग रहा है लुक। ये वाली वो पूरी प्लेस है जिधर मैंने बनानी है, इस दीवार से लेके सिंपल इस दीवार तक, और मैंने सारा कुछ निकाल दिया यहाँ से, और अब ये बन जाएगी। काफी ज्यादा जगह यार, इजीली यहाँ पे दो इस तरह लग के ना, एक इधर दूसरा इधर, और दरमियान में एक इधर लगेगा इस तरह इस दीवार के साथ सपोर्ट के लिए, ताकि ये ऊपर से ही रहे और इधर बन जाएगी। फिर मैंने ऊपर भी बनाने हैं, पर ऊपर की बात है, पर अभी इधर सिंपल ये सेट हो जाएंगे, सही रह जाएगा। सो गाइस इधर मेजरमेंट वगैरह स्टार्ट हो गई है करने की, क्योंकि अब यहाँ पे मैंने उनको कहा कि दो पैरेलल जाएंगे इस तरह पाइप जहाँ पे आप मैं कपड़े हैंग कर सकूँगा, तो आप उस लिहाज से यहाँ पे रखी साइड उतना मतलब कि आप वक्फा रख के दोनों हैं पाइप्स के दरमियान में, ताकि आपने हैंग करने हैं कपड़े तो प्रॉपर वे में हो सकें, ये ना हो कि एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हों लग रहे हों, तो वो अब वो सेटिंग वगैरह कर रहे थे। बहरहाल मैंने कहा मैं ना हैंग वो भी ले हैंगर भी लेके आता हूँ, आप उससे भी मेजरमेंट करिएगा प्रॉपर और फिर आप करिएगा, तो वो भी तो ऐसे कर रहे हैं मेजरमेंट, फिर दूसरी बात हैंगर के साथ भी रख के देंगे मेजरमेंट, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह करनी चाहिए और किस तरह हो के आप रख के आप लगा सको। ये देखिए ना, अगर आप हैंगर हैंगर भी थोड़ा सा दीवार के साथ नहीं ना लगाना, हमने हैंगर का भी थोड़ा सा फासला रखना है ना हमने, ठीक है इतना थोड़ा सा और इधर कर, थोड़ा सा 1 इंच का तो होगा तकरीबन। अच्छा ठीक ही होना, हाँ जी इधर ठीक है, हाँ इधर लग करके लगा दे, एक मिनट, हाँ इधर लगा दे, किसे लाना मेरी, क्योंकि मसला दीवार है ना, दीवार पे साथ ना लगे फिर, क्योंकि कपड़े भी इसके ऊपर अभी टंगे जाने हैं। हाँ जी मेजरमेंट तो प्रॉपर वे में हो गया और इन्होंने अब ये पहला इन्होंने लिखा भी दिया, बस मैं होप कर रहा हूँ कि बिल्कुल सेट हो। वैसे तो प्रॉपर वे में मुझे पता है कि लग गए हैं और सही लगे हैं और इतना ही लगना चाहिए, पर फिर भी एक ना थोड़ी सी होती है टेंशन कि आपको लगने के बाद प्रॉपर यार अच्छी चीज़ लगी हो, ख़राब ना हो, काम ना ख़राब हो, तो वो उस चीज़ के ऊपर है, बाकी तो बिल्कुल सेट है और बिल्कुल सही लग रहा है कि मुझे कि बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। तो खैर यह है कि जब ये कम्प्लीट वगैरह हो जाएंगे तब मैं कपड़े वगैरह लगाऊँगा, फिर मुझे सुकून मिलेगा और तब पता चलेगा कि कैसे लग रहे हैं। तो खैर ये अब ये पाइप वगैरह लगने स्टार्ट हो गए हैं और मैं इनसे पूछ रहा था कि हाँ और आपने भी अगर इस तरह का कोई काम वगैरह करवा रहे हो तो आप प्रॉपर पाइप वगैरह देखिएगा कि पाइप जो है वो इतने हों कि आपके जो हैंगर्स का जो वज़न है वेट है वो सही तरीके से बर्दाश्त कर सके, क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा कपड़े लटकाने होते हैं, तो वो चीज़ मैं अभी कर रहा था और पूछ रहा था, तो वो कह रहे थे कि हाँ आपके जितने भी कपड़े हैं जितने भी आप इसके ऊपर हैंग करेंगे उसका वज़न इसके ऊपर एक्यूरेट आ जाएगा और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा चलें ठीक है और अच्छी बात है, नहीं तो ऑब्वियसली जो हैंगर है वो ज़रा नीचे को झिलकने लग जाता है, नीचे को गिरने लग जाता है, तो काम ख़राब हो जाता है, पर उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो पाइप जो है वो बिल्कुल सेट है और आपके कपड़े वगैरह ठीक आ जाएंगे और सही ही आ जाएंगे, तो चलें मैंने कहा अच्छी है, और नहीं तो अगर ना भी हो तो मैं मिड में
दरमियान में एक और एंगल लगवा दूंगा, सॉरी एक और पाइप लगा दूंगा ताकि ये नीचे को गिरे ना, पर उसकी अभी ज़रूरत नहीं पड़नी है, ये तो मुझे उम्मीद है। और अभी ये बिल्कुल सेट और बिल्कुल ठीक लग रहा है और अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है और मुझे मतलब कि अच्छी वाइब्स आ रही हैं इससे कि ये सही लगेगा और अच्छा लगेगा, तो ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। क्योंकि कोई आप चीज़ बनाते हो और फिर आपको होता है कि यार थोड़ी सी भी ख़राब ना हो, परफेक्ट लगे और अच्छी चीज़ लगे, तो अगर ख़राब हो जाए तो फिर दिल ख़राब होने लग जाता है आपका। तो बहरहाल ये अच्छा लग रहा है और मैं अब कपड़े वगैरह जो हैं इसके ऊपर हैंग करूँगा और फिर आपको दिखाऊँगा कि वो सही लग रहे हैं कि नहीं लग रहे और किस तरह का क्या सिचुएशन है। अभी तक तो सब कुछ ठीक और अच्छा लग रहा है और बाकी बाद में है, बस अल्लाह ताला करम करे। सो गाइस, मैंने यहाँ पे कुछ अपने कपड़े अभी हैंग कर दिए हैं और अभी मेरे पास इधर यहाँ पे ये पड़े हुए थे, बाकी तो दूसरी कबर्ड में पड़े हुए थे तो मैंने कहा था, और कुछ हैंग करने वाले अभी पड़े हुए थे तो बाहर वो मैं बाद में हैंग करूँगा और वो भी आपको दिखा दूँगा। और दूसरी साइड पे जो थोड़ी सी साइड बच गई है वहाँ पर मैं सोच रहा था कि वहाँ पर बाद में वुड का काम करवा के प्रॉपर कुछ और करवाया जाए और यहाँ पर और चीज़ें वगैरह भी लगेंगी, तो वो सारा लकड़ी का काम है, तो वो फिर जब लकड़ी वाला बंदा आएगा जो काम करेगा, जिसने आगे भी काम किया हुआ हमारे घर के अंदर, तो फिर उसको कह के ये प्रॉपर यहाँ पे सेट करवाया जाएगा। और ये देखिए फसला बिल्कुल सही लग गया है और लेंथ वगैरह बिल्कुल ठीक लग रही है, एक्यूरेट। सो गाइस, अभी सिचुएशन ये है कि अभी हम ज़रा कुछ खाना वगैरह खाने के लिए बाहर जा रहे हैं, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सारा काम वगैरह कंप्लीट हो गया, वो आपको मैंने दिखा दिया था। अभी ये कि काफ़ी हम थक भी, मैं तो थक गया था, मुझे थकने से ज़्यादा ना मुझे भूख काफ़ी लग रही थी कि मुझे दिल कर रहा था मैं कुछ खाऊँ, तो अब यह है कि मैंने कहा चलो यार बाहर जाके कुछ खाते हैं, तो इसलिए मैं भाई वगैरह अब हम जा रहे हैं बाहर खाना वगैरह खाने के लिए। तो अभी हमने डिसाइड नहीं किया कि क्या खाना क्या नहीं खाना है, तो ये है कि वो तो अब जाके हम बाद में डिसाइड कर लेंगे क्या खाना क्या नहीं, अभी क्योंकि भूख इतनी लग रही थी, हमने कहा मैं फटाफट गाड़ी निकालो, तो देखते हैं रस्ते में डिसाइड कर लेंगे क्या खाना क्या नहीं खाना है। तो खैर ये कि अब चलते हैं और जो भी खाना वगैरह होगा ऑलरेड होगा, जो भी होगा सो वो भी आपको पता चल जाएगा। तो चलें फिर चलते हैं और देखते हैं कि क्या किस्मत में है और क्या खाना खाते हैं हम, क्या मिलता है बल्कि। सो गाइस, हम फाइनली होटल में आ गए थे और हमने ऑर्डर वगैरह कर दिया और अब फाइनली ऑर्डर आ भी गया, तो मैंने कहा आपको मैं फटाफट दिखा दूं और बता दूं क्योंकि मैंने पहले आपको बताना भूल गया था कि हमने क्या क्या ऑर्डर किया, तो मैंने कहा फटाफट एक छोटी सी वीडियो बना लूं और उसके अंदर आपको दिखा दूं कि क्या क्या ऑर्डर किया। तो खैर ये कि अब भूख वगैरह बहुत लग रही थी, तो ये है कि अब फटाफट खाना वगैरह खाएँगे। मेरे तो फेवरेट एग फ्राइड राइस और चिकन मंचूरियन है, तो मैं तो उसके ऊपर ही अब टूट पड़ना है क्योंकि भूख काफ़ी ज़्यादा लग रही है मुझे। तो खैर ये कि अब खाना वगैरह खा के मैं आपको फिर बाद में बात करता हूँ, तो अब यह कि खाने वगैरह खाने का टाइम हो गया है, तो चलें खाना खा के फिर मिलते हैं आपसे। तो फाइनली गाइस, हमने खाना वगैरह खा लिया है और अब हम आ गए हैं गाड़ी में बैठ के हैं, और ये कि अब हम घर की तरफ ही चल रहे थे, तो मैंने कहा यहाँ पे ही मैं वीडियो वगैरह बना लूँ, तो लाइट वगैरह फिट भी सही आ रही है, मैंने पहले भी इधर ही वीडियो बनाई है। तो बात ये थी कि आज जैसे आपके ऊपर सारा दिन रात सारा काम वगैरह करते रहे हैं और फिर उसके बाद अब आप खाना वगैरह खाने के लिए आ गए थे, खाना वाकई में बहुत मज़े का था और मज़ा आ गया और पेट भी फुल हो गया और मुझे सुकून मिल गया है काफ़ी ज़्यादा। तो खैर ये कि अब वीडियो को यहाँ पे एंड करेंगे और आपसे मैं इजाज़त लूँगा, तो ये है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट लाजमी करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करिएगा। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह तआला आपसे कल मिलेंगे एक नए दिन एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, चलो फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज़। तो बहरहाल यह है कि फिर देखते हैं कि क्या किस्मत में है और क्या नहीं, तो फिर चलते हैं और जाके देखते हैं।